दे कि गुडनेस क्या है। तो लिटरली हम चाहते थे कि भाई वन टू एंड थ्री, ये मेरा उंगली भी देखिए ना सीधा नहीं हो रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल विथ अनदर ब्लॉग। तो गाइस, अभी का सीन ये है कि मैं अब फिर रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हैं रेडी तो हूँ, बट कहाँ जाने के लिए वो तो आप सभी को नहीं पता है। तो बता दूँ, मैं अभी जाने वाली थी चर्च, जैसे कि संडे, हर संडे को होता है मास, तो आज भी तो संडे है, तो मैं जाने वाली थी बट किसी कारण से नहीं जा पाई। इसका रीज़न आप सभी को मैं बता देती हूँ। चलिए, तो रीज़न ये है कि पापा गए हैं ड्यूटी में, सुबह सुबह चले गए, पापा को ड्यूटी जाना पड़ा एंड भैया अभी ड्यूटी जा रहे हैं, तो मम्मी को अकेले छोड़ नहीं सकती क्योंकि मम्मी तो बीमार है, तो इसीलिए मुझे रुकना पड़ रहा है। और मैं देखिए पूरा रेडी हो चुकी थी जाने के लिए, निकल नहीं वाली थी कि भैया ने बोला कि अभी मुझे ड्यूटी जाना पड़ेगा अर्जेंट, तो तुम मत जाओ, मम्मी के साथ रुको, दवाई ववाई देना है, सब कुछ देना है, खाना वाना सब कुछ देना है। तो गाइस, मैंने सोचा कि मैं नहीं जाती हूँ, क्या करें, इस हफ्ते नहीं हुआ तो नेक्स्ट हफ्ते तो हो सकता है जाएंगे। और मैं पिछले चार हफ्ते से मैं चर्च नहीं जा पाई क्योंकि क्या है ना, मम्मी का दवाई सब देना था, मॉर्निंग से स्टार्ट होता है उनका दवाई, तो इसीलिए मैं नहीं जा पा रही थी पिछले चार हफ्ते से। और ये हफ्ते में ये वाला संडे भी नहीं जा पाई, तो पाँच हफ्ते हो गया। आज पूरा मैंने सोच रखा था कल से कि मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, बट क्या करें, बोलते हैं ना कभी जो सोचते हैं वो पूरा होता नहीं है कभी कभार, बट आप सोचना मत बंद कीजिएगा। क्या करें, मेरे साथ हुआ ऐसे, आप सभी के साथ तो नहीं होगा, ऐसा कन्फर्म नहीं है। तो गाइस, क्या करें, जाने का तो मन था फिर नहीं हुआ, तो कोई नहीं। आज सुबह 4 बजे से हमने ये मॉर्निंग प्रेयर किया ऑनलाइन में, शंघाई विनती जो होता है, भैया मैंने पापा मम्मी सब ने मिलकर ऑनलाइन प्रेयर किया, हर दिन होता है, तो आज भी हुआ, संडे को भी हुआ। तो हमने आराधना विनती जो कि अडोरेशन बोलते हैं, एंड जो बाइबल पढ़ा, बाइबल का समझाया गया, कैसे आज का बाइबल का पाठ हमको बताया गया, कैसा करेंगे हम अपने डेली लाइफ में, कैसे यूज़ कर सकते हैं बाइबल का वाणी को, तो हमने गाइस सुन लिया। तो कोई नहीं, इसमें ही अपना मन संतुष्टि करते हैं, और नहीं जा पाए तो क्या हुआ, अगले हफ्ते फिर ट्राई करेंगे जाने के लिए। तो गाइस, अभी मैं ड्रेस व्रेस चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने चेंज कर लिया अपना ड्रेस एंड अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े धोने के लिए भिगो दूँगी पहले, उसके बाद नाश्ता करके आऊँगी फिर धोने के लिए। तो भैया का कपड़ा लेके जा रही है, देख सकते हैं। एंड आप सभी को एक बात रिवील करना है, पिछले एक वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि भैया कुछ उनके रिलेटेड कुछ बात आप सभी को बताना है गाइस। तो जो आपने थंबनेल देखा है वही रिलेटेड बातें हैं, आपको आप सभी को बता दूंगी क्या है वो गुड न्यूज़। तो गाइस, फ़िलहाल मैं आप इसको पानी में डुबो देती हूँ साबुन से, एंड उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे, और नाश्ता में क्या बना है आप सभी को दिखाऊंगी। तो फिलहाल इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं अंदर। सो गाइस, मैंने बकेट में पानी डाल के उसमें सर्फ डाल के मैंने कपड़े को डाल दिया है अंदर, बकेट के अंदर, एंड पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर धोने के लिए आऊँगी बाहर के। और मैं आज, पापा ड्यूटी जाने वाले थे सुबह, चले गया ड्यूटी, इसी वजह से मैंने सुबह सुबह खाना बना दिया था। 4 बजे के आसपास मैंने उठ के प्रेयर भी, मतलब स्पीकर में हमने लगा दिया था प्रेयर जो मोबाइल को, एंड उसमें खाना बनाने के साथ साथ मैं सुन भी रही थी एंड प्रेयर भी कर रही थी। क्या करें, दोनों काम करना पड़ता है एक ही साथ, क्योंकि पापा को भी जाना था ड्यूटी एंड प्रेयर भी उस टाइम होता है, तो दोनों काम एक साथ हो जाता है। वैसा तो नहीं करना चाहिए ये, मतलब प्रेयर तो सेपरेट उसका भक्तिपूर्व भाव से करना चाहिए। मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं काम करती हूँ तो मैं प्रेयर करना अवॉइड कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रेयर भी अगर काम के साथ भी करती हूँ तो बहुत ज़्यादा भक्तिपूर्ण से भी करती हूँ, क्योंकि अभी क्योंकि कुछ नहीं होता है कि भगवान के नाम में क्यों नहीं होता है गाइस, तो क्यों का जवाब नहीं देंगे अभी। चलिए फिर चलते हैं, मेरा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि अभी मैं चर्च जाने वाली थी इसीलिए मैंने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे फादर हमें परम प्रसाद देते हैं जो कि राउंड शेप में होता है,
और उसके बारे में आने वाले संडे को आप सभी को मैं बता दूंगी किस उसका मतलब और उसका महत्व। भूख लग रहा है तो खाना मेरा ब्रेकफास्ट मैं रेडी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चावल भिगोया था कल रात में एंड इसको मैंने ग्राइंड करके अभी मैं बनाऊँगी चौकली चीनी। तो चलिए फिर अभी बनाते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं क्योंकि पहले पेट पूजा करना चाहिए, उसके बाद फिर दूजा काम करना चाहिए ना। तो बने रहिए वीडियो में, बना लेती हूँ उसके बाद फिर मिलते हैं। सो गाइस, मैंने एक रोटी बना लिया है एंड और दो ठो बनाऊँगी, तीन ठो में मेरा पेट फुल हो जाता है और साया भी नहीं जाता है। तो गाइस, आज के वीडियो में आप सभी को बता दूंगी कि क्या है। यहाँ पे मेरी रोटी बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं, और मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये मैंने ब्लैक टी इसके साथ खा रही हूँ क्योंकि अभी ब्लैक टी ही अच्छा होता है शरीर के लिए। जो हम मिल्क टी पहले बनाते थे, मिल्क टी हम बनाते थे पहले, बट अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी मम्मी का जो डिजीज़ है मिल्क मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीने के कारण ही हुआ है, बोल रहे थे डॉक्टर, ऐसे बताया कि मना क्या कर दिया गया मम्मी को पीने के लिए। तो अभी हमने भी बंद कर दिया है दूध का कुछ भी सामान, अभी हम यूज़ नहीं करते ना तो खाते हैं। तो गाइस, अभी मैं फ़िलहाल खा लेती हूँ। तो आप सभी को इस वीडियो में आप सभी को बता दूँगी कि गुड न्यूज़ क्या है, और आप कुछ नेगेटिव मत सोचिएगा, पॉजिटिव ही भी पॉजिटिव रहिएगा। एंड अभी भैया बाहर गए हैं कुछ काम से, तो उनके आ जाने के बाद आप सभी को मैं बता दूंगी कि गुड न्यूज़ क्या है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कब आप सभी को बताऊं, कब आप सभी को बताऊं, और हमारा हालात कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे बताने का मन नहीं किया क्योंकि आप सभी को तो पता है मम्मी जी का तबीयत बहुत हो गया था। अभी तो ठीक है भगवान जी की कृपा से। एंड इस थर्सडे को, गुरुवार दिन को इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था उनका सिचुएशन, उनका बॉडी बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट नहीं दे रहा था, ना तो चलने के लिए सपोर्ट दे रहा था, ना तो खड़े होने के लिए कुछ भी सपोर्ट नहीं दे रहा था। इनका इतना ज़्यादा मतलब कमज़ोरी हो रहा था, बीपी लो हो गया था पूरी तरीके से। जो मम्मी जी का बीपी तो हाई रहता है, बट उस टाइम इतना ज़ोर से लो हो गया था पता नहीं, इसी कारण उनका दुर्बलता हो गया था, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, मम्मी चल नहीं पा रहे थे, हमको पकड़ के जाना पड़ रहा था, उनको पकड़ के हम वॉशरूम ले जा रहे थे, ला रहे थे, मतलब कहीं भी हम उनको अकेले नहीं छोड़ते हैं अभी। और उनका छोटी सी छोटी चीज़ मतलब उनका हेयर कॉम भी मैं करती हूँ क्योंकि उनका इतना ज़्यादा वीक हो गए हैं मम्मी, तो उनको अपना हेयर भी कॉम करने के लिए ताकत नहीं आ रहा है गैस। तो प्लीज़ गैस, आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे मम्मी के लिए प्रेयर करते रहिए, जल्दी से रिकवरी हो जाए मम्मी जी। और गैस, थर्सडे को मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं किया, क्योंकि क्या है ना, इतना कठिन समय में हम वीडियो बनाएंगे तो मतलब वीडियो क्या बनाना है। उस टाइम हमारा सिचुएशन ऐसा हो गया था कि वीडियो क्या आप सभी के साथ मुझे शेयर करने का मन तो कर रहा था, बट अभी तो मैंने बता दिया, वीडियो के जरिए मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मम्मी जी को पकड़ना था और मम्मी जी का कोई भी तरीके से मुझे मजाक नहीं बनाना था कि इस टाइम इतना क्रिटिकल टाइम में भी वीडियो बना रही है, ऐसा मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे बोले। एंड मैं अपनी मम्मी का भी कोई मजाक किसी उड़ाना नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। बट आप सभी को मैं बता रही हूँ, आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे वो मुझे पता नहीं, बट इतना मम्मी जी के नाम पे हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने सभी भी देखा है मम्मी जी कैसे हैं अभी, उनका सब रिपोर्ट सब भी आप सभी को मैंने वीडियो दिया था, सेपरेट वीडियो। तो गाइस, उनका उनके लिए एक ही बात बोलूँगी, मेरे मम्मी के लिए प्लीज़ प्रेयर करते रहिए। और अभी तो ठीक है थोड़ा सा, और आगे के वीडियो में आप सभी को बताते रहूँगे कैसा हो रहा है कैसा नहीं। और क्या बोले, उनका मुंह भी सूजा हुआ है, अभी तक फूल गया है मुंह, तो मुंह एंड शरीर भी फूला हुआ है, अभी तक नहीं मतलब कम ही नहीं हुआ है अभी तक, बट खाली अभी दुर्बलता जो है कमजोरी वो हट गया है, अभी नहीं हो रहा दुर्बलता। तो क्या करेगा, इस ऐसा सिचुएशन कभी कभार आ जाता है अपने अपने फैमिली में, तो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। एंड मम्मी को मैं अभी शो अप नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक बात बोलती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मम्मी को शो अप करवाना कि उनका
तबीयत तो ख़राब है, आप सभी को तो पता है, तो इसीलिए मैं अभी सुबह अपने करूँगी। जब अभी ठीक हो जाएंगे मम्मी, आप सभी के साथ मिलवाऊँगी भी, बातें भी करवाऊँगी। तो कोई नहीं, अभी गैस अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ मेरा, तब तक भैया भी आ जाएंगे। और ये हमारे लिए गुड न्यूज़ तो है, बट क्या करें, हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। घर में भी ऐसा सिचुएशन है कि हम सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे हैं। तो कोई नहीं, जब मम्मी ठीक हो जाएंगे तो एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, भैया का भी एंड मम्मी जी का भी, है ना गाइस। तो गाइस अभी मैं इसको ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो गाइस मेरा नाश्ता हो चुका है एंड अभी अर्जुन जी का नाश्ता बाकी है, मेरा अर्जुन भाई का। तो उसके लिए मैं अभी लेके जा रही हूँ रोटी, और उसके साथ अभी मैं जाऊँगी बाहर, तो मैं कपड़ा भी वॉश करके आ जाऊँगी, क्योंकि अभी धूप नहीं है, 8:30 ही हुआ है, तो अभी ज़्यादा धूप नहीं है बाहर में, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है बाद में। तो अभी मैं सोच रही जल्दी से मेरा काम ख़त्म कर लूँ बाहर का, देन अंदर में जो थोड़ा मोड़ा बचा है अभी का। इसमें अभी कपड़ा धो के अंदर ही जा रही थी कि ये देख सकते हैं, ये हमारे गेट के पास ही है, अभी जा रही है, भल अच्छा हुआ, नहीं तो बहुत ज़्यादा डेंजरियस है। जैसे कि उसके बच्चों को पकड़ने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, ऐसे सोच के हमला ही कर लेती है, मुझे डर लगता है इसको तो। और इसने 5 जो चूज़े हैं 5 हुआ है, ये भी हमारे एक फैमिली मेंबर्स है, जैसे कि अर्जुन है ये भी हमारा फैमिली मेंबर है, और ये है उसके बच्चे और है उनका माँ, चले गए हैं दूर सपाटे में, सैर सपाटा करने चले गए हैं, देख सकते हैं। तो अभी मैं भी चलती हूँ, मेरा काम निपटा लेती हूँ पूरा, झाड़ू है मारना बाकी। सो गाइस हम खाना पीना करके सो गए थे एंड ये इवनिंग का टाइम है, इवनिंग में देख सकते हैं कितना जोर से हवा तूफान आ रहा था। ये देखिए हमारा पेड़ पौधे सब कुछ कितने मस्त तरीके से हिल रहे हैं, देख सकते हैं जैसे लग रहा है डांस कर रहे हैं सभी ट्रीज। एंड मुझे लग रहा है हमारा आम भी चढ़ जाएगा एक दो, तो पहले हवा बंद होने देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे हमारा आम गिरा है कि नहीं। The next day. मॉर्निंग एंड अभी टाइम आ चुका है आप सभी के सामने रिव्यू करने का कि क्या है गुड न्यूज। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और आप सभी को इतना देर इंतज़ार करवाने के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गाइस, और इतना लेट क्यों करवाया हो तो आप सभी को बाद में बता दूँगी। फिलहाल भैया आ गए हैं तो भैया के सामने रिफिल करेंगी हम दोनों मिलकर, है ना। भैया रहेंगे और भैया के प्रेजेंस में मैं रिफिल करूँगी। तो गाइस अभी बाहर भैया बाहर में गए, आने के बाद आप सभी के सामने मैं बता दूँगी, तो बने रहिए कि जल्दी से जल्दी बताऊँगी, अभी मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। Few moments later. अभी आज की है अशुभ घड़ी कि आप सभी को बता दें कि गुड न्यूज़ क्या है। तो लिटरली हम चाहते थे कि भैया एंड मैं दोनों मिलकर ये गुड न्यूज़ को आप सभी के साथ शेयर किया जाए, बट अभी भैया चले गए हैं बाहर तो ये नहीं हो सक रहा है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा देर आप सभी को भी इंतज़ार नहीं करवाते हैं, बहुत ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा आप सभी को इंतज़ार करवाया, ऑलरेडी मैंने एक बार आप सभी से माफ़ी मांग लिया है और एक बार दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ गाइस, सॉरी। चलिए फिर अभी आप सभी को मैं बता देती हूँ कि गुड न्यूज़ क्या है। तो चलिए फिर मैं काउंट करूँगी 3 तक एंड उसके बाद फिर आप सभी को बता दूँगी। 1 2 3 तो मेरे भैया को जॉब मिल गई है गाइस एंड यही है हमारा गुड न्यूज़। तो भैया होते तो अच्छा लगता, दोनों जन मिल के बताते, क्योंकि उसको मिला है जॉब, तो अभी मैं अकेले बता रही तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कर रहा है सिचुएशन ऐसा हो गया कि अभी आप सभी को अकेले ही मुझे बताना पड़ रहा है। तो हम चाहते थे कि ये सेलिब्रेशन करें, हम भैया को जॉब मिलने की खुशी में हम सेलिब्रेट करें, लेकिन क्या करें मम्मी का तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो हमको सेलिब्रेट करने का भी मन भी नहीं कर रहा। तो मम्मी अगर जल्दी से ठीक हो जाए तो मम्मी के साथ ही साथ मम्मी के ठीक होने का खुशी में एंड भैया का जॉब मिलने का खुशी में हम सेलिब्रेट करेंगे। और गाइस आप सभी को अगर जानना है कि भैया को कौन सा सेक्टर में जॉब मिला, प्राइवेट या प्राइवेट है या तो गवर्नमेंट है, अगर आप सभी को जानना है, और कौन से पोस्ट में उनका जॉब मिला है अगर जानना है, तो कमेंट कीजिए जल्दी से, और उसके बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो आप सभी को मैं एक वीडियो में बता दूँगी कि कौन से सेक्टर में भैया का जॉब मिला और कौन से पोस्ट में मिला। और अभी भैया इस वक्त यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसका कारण भी यही है कि भैया को अभी अर्जेंट कॉल आया, उसी का दौरान अभी गए हैं बाहर काम के लिए। तो गाइस यही हमारा खुशखबरी
एंड गुड न्यूज़। एंड आई होप आप सभी मेरे भैया को बेस्ट विशेस देंगे आगे के फ्यूचर के लिए, एंड ढेर सारी शुभकामना बेस्ट विशेस क्या क्या होता है वो पता नहीं, वो देखिएगा। और तो चलिए फिर ये वीडियो से हम विदा लेते हैं, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।